हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको चैम्फर, फिलेट एंड ब्लेंड कर्व कमांड के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहली कमांड कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, फिलेट, जो कि हमारी मॉडिफाई पैनल में यहाँ पर होती है दोस्तों। ओके, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होगे यहाँ पर फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड कर्व्स हैं। तो सबसे पहली कमांड आती है फिलेट, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट F एंटर कर सकते हैं दोस्तों। F इसकी शॉर्टकट कमांड है। ओके, जब हम फिलेट कमांड लेते हैं तो ये यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है दोस्तों, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। ओके, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट करने से पहले इसमें हम रेडियस सेंटर करेंगे, तो उसके लिए R एंटर कर सकते हैं या डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ओके, R एंटर करेंगे और फिर ये हमसे पूछेगा कि कितनी रेडियस चाहिए आपको इस फिलेट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2 या 3। ओके, एंटर करता हूँ फिर ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये कर दिया, सेकेंड क्लिक यहाँ पर। तो आप देख रहे होगे इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ये इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये रेक्टेंगल है, अगर हमें इनके चारों तरफ एक आर्क चाहिए, चारों तरफ यहाँ पे भी आर्क, यहाँ पर भी आर्क और यहाँ पर भी आर्क और यहाँ पर भी आर्क, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, फिलेट लेते हैं दोबारा, F एंटर। ओके, और फिर रेडियस देते हैं R, एंटर। रेडियस जैसे मुझे चाहिए 3 एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पर क्या सेलेक्ट करता हूँ, पॉलीलाइन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पॉलीलाइन सेलेक्ट करते ही जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसने चारों कॉर्नर आर्क में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों। ओके, तो इस तरह से हम फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। अब दोबारा F एंटर करता हूँ यहाँ पर, रेडियस R एंटर करता हूँ यहाँ पर, रेडियस मैं 0 दे देता हूँ दोस्तों। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे गैप है इस रेक्टेंगल में, तो मैं इस गैप को यहाँ पर फिल कर सकता हूँ फिलेट कमांड के थ्रू भी। जैसे मैंने रेडियस 0 कर दी, अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये दे दिया और सेकेंड यहाँ पर ये दे दिया दोस्तों, तो इसने क्या किया यहाँ पर ये रेक्टेंगल फिल कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दोबारा फिलेट लेता हूँ, F एंटर या स्पेस बार एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे होगे आप यहाँ पर एक ट्रिम का ऑप्शन है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर नो ट्रिम करता हूँ दोस्तों तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और एक इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर मैं F एंटर फिर ट्रिम, यहाँ पर मैं ट्रिम सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, अब जैसे सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर और सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ यहाँ पर जो दो लाइनें थी इसने रिमूव कर दी। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है दोस्तों, चैम्फर। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, CHA। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये कमांड ले ली, तो इसमें ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन ये दे देता हूँ और फिर सेकंड लाइन यहाँ पर ये दे देता हूँ। आप देख रहे होगे यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस अभी तक कुछ दी नहीं है मैंने, तो दोबारा CHA एंटर करता हूँ। उसके बाद जैसे फिलेट के अंदर रेडियस देने की ज़रूरत पड़ती है हमें, वैसे ही चैम्फर के अंदर हमें डिस्टेंस देने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस यहाँ पर ये रही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या डायरेक्ट D एंटर कर सकता हूँ, और डिस्टेंस यहाँ पर ये 2 मांगेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जैसे यहाँ पर दिखा रखा है इसने, तो यहाँ पर मैं ये देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, फिर एंटर, फिर सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस ये क्या देता हूँ, ये भी मैं 2 ही दे देता हूँ एक बार। ओके, और फिर ये सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और फिर तो सेकंड लाइन मैं जैसे यहाँ पर दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसने क्या किया, सिंपली ये जो डिस्टेंस ले रहा था फर्स्ट डिस्टेंस जैसे इसने ली यहाँ पर ये 2, उसके बाद सेकंड डिस्टेंस क्या ली 2, तो वो डिस्टेंस इन पॉइंट्स की है, तो ये यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है ये उन डिस्टेंस को मांगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखी है, तो उस तरह से हम चैम्फर कमांड लगा सकते हैं दोस्तों।
ओके। अब दोबारा जैसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ यहाँ पर, अब दोबारा सी एच ए एंटर करता हूँ, फिर डी एंटर करता हूँ, उसके बाद फर्स्ट डिस्टेंस क्या दे देता हूँ दोस्तों, 2, ओके, और सेकंड डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 5, एंटर, फिर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, फिर सेलेक्ट सेकंड लाइन, ओके। फर्स्ट डिस्टेंस इसने 2 ले ली और जो सेकंड डिस्टेंस थी यहाँ पर उसने 5 ले ली, ओके फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट लाइन में ये सेलेक्ट करता तो यहाँ पर ये 2 और ये सेकंड लाइन में 5, ओके। तो इस तरह से हम चैम्फर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। चैम्फर कमांड अगर डिस्टेंस डी एंटर 0 कर देंगे तो ये क्या करेगी दोस्तों, ये भी फिलेट की तरह इस रेक्टेंगल को फील कर सकती है, ओके। तो इस तरह से हम चैम्फर कमांड का यूज करते हैं दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है ब्लेंड करव। तो इसके लिए मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर, अब ब्लेंड करव यहाँ पर लेते हैं, ओके, BLEND एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये दे देता हूँ और सेकंड ऑब्जेक्ट ये दे देता हूँ दोस्तों। तो आप देख रहे होगे इसने एक कर्व ड्रा कर दिया, ओके। तो इसको हम यहाँ पर ये वर्टेक्स शो कर रहा है, यहाँ से हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, F8 की ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इन वर्टेक्स के थ्रू, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ब्लेंड कर्व का भी यूज कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके फ्रेंड्स। डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।